ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मूड ऑफ मोहल्ला में। और अब बात करते हैं पुट खुर्द की। पुट खुर्द की जनता सफाई ना होने से बेहद परेशान है। लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल सरकार ने मुफ्त पानी देने की बात कही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया। यहाँ पे तो काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ देखा जाए तो रोड है, रोडों पे मतलब यहाँ हर जगह कोई भी एक भी रोड मेरे को साफ साफ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे आज तक कभी भी। एक भी नाली सारी ऐसी सड़ी रहती है यहाँ पे, ठीक है, सारी खुली पड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ भी देखोगे आप कूड़ा करकट तो मतलब हर जगह हर एरिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। देखो जो यहाँ की समस्या है, जो ये गली है ये थोड़ी ठीक करा दें, मतलब नालियाँ वालियाँ हैं, यहाँ सीवर वगैरह डल जाएँ, मतलब इस तरह होना चाहिए जो यहाँ के एरिया के बारे में सोचे। विधायक ने कहा था कि हमारा स्कूल बन जाएगा, कि हमें वोट दो हम तुम्हारा स्कूल बनवा देंगे। और वो आया कि स्कूल में उसने बोला तो स्कूल बन जाएगा। अब उस टाइम कहा, हमने गया उसके पास तो बोला कि अगले साल आना। कभी जाते हैं कोई काम कर, अगली बार आना। जैसा उसने कहा कि पानी आया, पानी अभी तक नहीं आया, ना नाली ना रोड साफ़ है अभी तक। सारा पानी साफ़ आ रहा है, पानी एकदम गंदा आता है, नाली आज तक कभी साफ़ नहीं हुई। और आम आदमी वाले कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहा कि पानी आपको फ्री मिलेगा, पानी अभी तक किसी को फ्री नहीं मिला। मेन है समस्या पानी का। यहाँ पर तो पानी कभी आता है, कभी दो एक एक हफ्ते में बाद नहीं आता है। और दूसरी बात है सफाई तो कभी 20 साल हो गए मुझे देखते हुए, कोई आज तक सफाई नहीं होती है। और मान लिया सफाई भी होती है तो कूड़ा निकाल करके रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, और कम से कम 15 दिन तक आते नहीं उठाने के लिए। सफाई और एमसीडी वाले तो यहाँ आते भी नहीं है। वो एमसीडी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो तो आती ही नहीं है, वो आती ही नहीं है, कभी नहीं आई। कुछ आपने बताया किसी पार्षद को? विधायक कभी कोई चर्चा नहीं हुई, और कोई यहाँ आया भी नहीं, हमसे पूछने भी नहीं आया कि कोई क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। यहाँ तो सर हम 25 साल से देख रहे हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है। और जो भी है तो मतलब का यहाँ कोई आता ही नहीं है। नहीं जी, कोई नहीं आता है, और ना किसी का पूछा जांची होती है का भाई तुम्हें मच्छर लगती है नहीं लगती हैं, या कोई सफाई वाले हैं या नहीं है, या किस चीज़ की परेशानी है। तो यहाँ आज तक 25 साल में कोई आता ही नहीं है। 25 साल से वोट दे रहा हूँ। इस साल क्या सोच कर वोट देंगे इस बार? इस साल देखेंगे का, देखो जो कौन सी पार्टी काम कर रही है। वजीरपुर की जनता चाहती है कि इस बार जो भी नेता चुनकर आए वो पानी की समस्या दूर करे, साथ ही रोड और बिजली की समस्या पर भी नेता ध्यान दे। ऐसा भी है दुनिया भर गंद मचे हुए हैं, ये सब गंद हटाओ, पानी की दिक्कत है पानी दूर करो, और नाला वाले सब साफ करवाओ इसको, और कोई दिक्कत नहीं। ये गंदगी ज़्यादा है, नाले की परेशानी है, खुले आम में आदमी मच्छर मकोड़ा सारे आते रहते हैं, बच्चे लोग के सही अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये सब की परेशानी है। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं? ये सावधान है सारे चीज की गंदगी सब के झुग्गी की वजह से, ये सब के लिए मेरे को चाहिए साफ सफाई। परेशान रहते हैं, 2-3 दिन का पानी आता है हमारे गली में। अच्छा जी, और नाली का कोई उपाय नहीं हमारे। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाले पार्षद से उम्मीद रखते हैं कि हमारे पानी और नाली की सुविधा सही कराएं। पाइपलाइन है गंदगी में, सब पानी पी रहा है, बहुत कुछ की सफाई नहीं है यहाँ। नेता लोग को वोट दे रहे हैं कि हाँ हमें सफाई देंगे, हमें वो आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। भाई यार सफाई वफाई रहती नहीं, कोई भी नेता खड़ा होता सफाई वफाई होती नहीं, क्या फायदा यार वोट डाली में उनको, दो वोट ना तो बराबर से नालियाँ नहीं साफ है। तो आने वाले को दिया तो झाड़ू वाले ने कह कुछ नहीं किया, झुग्गी वाले तो वैसे परेशान रहते हैं। दिक्कत तो देखो सफाई है यहाँ, और जो भी वोट जीतता है वो अपने घर बैठ जाता है, कौन सी गरीब की हल करता है, कोई करता है नहीं करता है। अब देखो नाली है जो देखो हमारे दरवाजे पर सड़ रही है, ना इनकी कोई वो है उतर सड़ रही है, बताओ ऐसे में रह रहे हैं हम लोग, कितना मच्छर माकर होगा, बड़े लोग रह लेंगे ऐसे में, उनके बंगलन में कैसे ठंडी हवा गर्म हवा मच्छर कोई ना वो का, हम लोग कैसे नहीं होते रहते क्या करेंगे। सफाई वगैरह तो सही हो रही है, बाकी विधायक जो है विधायक कभी नहीं आते यहाँ पे, जिस दिन से 2.5 साल हो गए 2.5 साल से अभी तक एक बार भी शक्ल दिखाने नहीं आया यहाँ पे, इसीलिए। और बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, जो चीज़ हमारे गरीब आदमी को चाहिए क्या चाहिए, को पैसा तो चाहिए नहीं, गरीब आदमी को सफाई चाहिए और व्यवस्था चाहिए, वो पूरी मिल रही है। आने वाले पार्षद से क्या होगा? वो भी काम करेंगे सही, बस हम तो ये चाहते काम हो हमारा। यहाँ के प्रश्न ये है जो निगम पार्षद है हमारे झुग्गियों में, आज तक उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी, ना कोई सफाई ना कुछ भी, और आते भी नहीं।
यही परेशानी है कि आए देखें तो कोई काम बने भी वो देखते ही नहीं है, कोई काम कहाँ से बने। मैं खुद गया था निगम पार्षद के पास, जो हमारे ये बीजेपी के हैं, जाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। क्राइम यहाँ होते हैं, कोई सजा होती नहीं फिर, मैंने ये नोट किया है, जो भी क्राइम करते हैं उसको सजा होती नहीं है। लगा पड़ा है SHO साहब का बोर्ड लगा पड़ा है यहाँ पर और जुआ चल रहा है यहाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ठीक बात है कि गलत बात है? बोर्ड लगा हुआ उसके ऊपर क्या लिखा पता है कि यहाँ पर जुआ खेलना शराब पीना मना है, सब हो रहा है, जाके देख सकते हो आप। यहाँ पर कूड़ेदान की बहुत मेन समस्या है, ना तो कूड़ेदान यहाँ उठता है, कूड़ा उठता नहीं है, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ से, दिन पूरा दिन बदबू आती है। अब आप भी देख लो पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। तो जो पार्षद यहाँ से जीत करके आएगा उससे क्या आप उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हमेशा ये रखते थे, जो पार्षद आता था जो इलेक्शन के लिए आते हैं वो यही कहते हैं कि आप हमें दीजिए वोट, हमें दीजिए, हम आपका काम हल करेंगे, मगर कुछ काम हल नहीं हो। वो आती है डस्ट है हर तरह से है, जो पार्टी आती है ना बोलती है हम हटवा देंगे, हम करवा देंगे, आप हमें वोट दो, हटवाता कोई भी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस होगा चाहे बीजेपी होगा चाहे झाड़ू वाला केजरीवाल होगा। आने वाले पार्षद जो जीत करके आए उससे क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी पहली उम्मीद तो ये कि हमारा कूड़ेदान नहीं आता, हटवाए, बच्चे रहते फैमिली रहती है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, हमेशा बदबू आती रहती है भाई साहब। आपको सड़क नहीं बन रही है, नालियाँ नहीं बनी है, पानी की भी दिक्कत है, गंदा पानी आता है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं? आप तो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी सड़क बनवा दें, नालियाँ बनवा दें। परेशानी तो बहुत ही, आप देख ही रहे हो गंदगी कितनी फैली हुई है चारों तरफ, कोई भी आता है कोई कुछ भी काम नहीं करता, सब अपने अपनी मस्ती में मस्त है, बस ये इलेक्शनों के अंदर बरसाती मैटक होने हुए हैं, उस पर मोहर लगाना, ये करवा देंगे वो करवा देंगे ये करा देंगे। हमारे मुद्दे बहुत सारे यहाँ पर, एक तो विकास नहीं हुआ कुछ भी, आज से पास उससे पहले उनका ढिका ही उन्होंने अच्छा विकास किया था, उसके अब तक कोई विकास नहीं, एक ईट नहीं लगी है कि मतलब प्रेजेंट जो पार्षद पिछले साल जीती हैं वो 5 साल पहले, वो कभी उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई इधर आके, 12 साल से 2-3 साल से पेंशन नहीं मिली है, हमारे पिताजी भी बेचारे खत्म हो गए पेंशन के कहते कहते। हम तो विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे, जो भी होता है विकास पर काम हो, जैसे हमारे यहाँ साफ़ सफाई का यहाँ वजीरपुर में बड़ा ही गंभीर मामला है, आसपास साफ़ सफाई नहीं रहती है, बहुत ही परेशानी होती है चलते फिरते, बहुत मैम तो सफाई पर ही, सफाई है स्कूलों में, पढ़ाई है, बहुत सा कई सारे मुद्दों पर करना चाहेंगे। पीने का पानी का सुविधा नहीं है, एक पेशाब करने का मतलब बाथरूम नहीं है, और यहाँ चोर चक्कर बहुत घूमते हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देती, शिकायत बार बार जा करते हैं, तो अभी ये शराबी और नशेड़ियों का ये पार्क बन गया है। साफ सफाई होनी चाहिए, सारे खड्डे जितने भी कहीं पे खड्डे ना हो, बारिश में सब कंफर्टेबल लेवल पर रहें, स्कूलों में पढ़ाई हो, मेले में यही चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, साफ़ सफाई हम हर बार, आप जानते हैं कि MCD में कौन आया जा रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, चाहे आम आदमी पार्टी भी आ गई है चाहे BJP आ गई है, काम बिल्कुल कुछ नहीं, कोई भी आए, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे यहाँ पर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर टाइम पर नहीं आते। रही आप MCD की बात है, MCD के अंदर भी आप देखिए सफाई कर्मचारी अपना टाइम पर काम नहीं करते हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई, मैं क्या बोलूँ सफाई के बारे में, आप खुद देख सकते हैं सफाई के बारे में। तो कृपया करके मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार आए आप डॉक्टर्स सरकारी उसमें अवेलेबल रहें और सफाई मस्ट। मूड ऑफ मोहल्ला में अभी के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक होंगे फौरन हाजिर, आपके जाइएगा नहीं, देखते रहिए टोटल न्यूज़।